बस फाड़ा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अर्चना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई रियली होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। तो जब से कोविड हुआ है तब से हर कोई अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है, अपने आप को हेल्दी बनाने में लगा हुआ है, और तब से हर किसी को पता है कि हेल्थ इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा ही कोई इम्यूनिटी बूस्टर लेकर आई हूँ आज, जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी हेल्पफुल है और उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। वो है गहद की दाल हॉर्स ग्राम, जो कि पूरे इंडिया में मिलती है बट अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है, और उत्तराखंड में इसे कहते हैं गहद की दाल। और एक उत्तराखंड की फेमस डिश इससे बनाई जाती है फाड़ा, क्योंकि हर जगह गहद की दाल को या तो दाल बना के खाया जाता है या उसके पराठे बना के खाए जाते हैं, बट इस तरीके से केवल उत्तराखंड में ही खाई जाती है ये, जिसका नाम है फाड़ा। तो आज हम बनाएंगे उत्तराखंड की फेमस डिश फाड़ा, और उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो डेफिनेटली आप लोगों को भी पसंद आएगी। तो जो गहद की दाल है उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो इसमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है, और इसको रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन माना जाता है, वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन इसे माना जाता है। चलिए चलते हैं और बनाते हैं, और बनने के बाद आई रियली होप कि आप लोगों को भी पसंद आएगी और आप लोग भी इस तरीके से उसे बनाना चाहेंगे। तो चलिए चलते हैं फटाफट से। मेरी गहद की दाल को कल रात को ही भिगोकर रख लिया था, भिगोने के लिए रखा हुआ था, तो ये काफ़ी अच्छे से भीग चुकी है अब, और अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्च और लहसुन भी लिए, तो मैं इन सारी चीज़ों को एक साथ ही ग्राइंड कर लूँगी। विंटर में ना ये सारी चीज़ें खाने का मन बहुत ज़्यादा करता है, बहुत ही ज़्यादा, और जबकि तो हम कई साल से अपने गांव नहीं गए हो, अपनी जगह नहीं गए हो, तो ऑलमोस्ट हम लोगों को भी 3 साल हो गए हैं कि हम लोग उत्तराखंड नहीं गए हैं, इंडिया नहीं गए हैं। इवन जब से कोविड हुआ हम हर साल प्लान बनाते हैं कि जाएंगे जाएंगे, कोविड के चक्कर में हम लोग नहीं गए आहान को लेके, कि थोड़ा सा डर था कि कोविड बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था, तो हम लोग नहीं गए। तो देखते हैं इस साल क्या होता है, हम लोग जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं, लेट्स सी। तो अभी बनाते हैं फाड़ा। तो मैंने ये दाल थी वो इसमें डाल दी है, और इसमें मैं हरी मिर्च भी डाल देती हूँ तोड़ के, ताकि अच्छे से पीस जाए। ये है, और लहसुन भी डाल देती हूँ। देखिए दाल मैंने पीस ली है इस तरीके से, बहुत ज़्यादा पतला मैंने इसे नहीं करा है, थोड़ा सा दरदराई रखा है ताकि जो टेस्ट है वो आए इसका अच्छे से। और इसको ना लोहे की कढ़ाई में बनाना चाहिए, जो आयरन का जो भी बर्तन होता है उसमें बनाना चाहिए, तो इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो मेरे पास है एक आयरन की कढ़ाई जो कि अब पूरी काली हो गई है, हमारे यहाँ उसे कहते हैं काली कढ़ाई, तो काली हो गई है सचमुच में ही। और ये बहुत छोटी सी कढ़ाई है, बट जो भी मैं साग बनाती हूँ वो इसी कढ़ाई में बनाती हूँ। तो मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाला है, और अब मैं इसमें डालूंगी उत्तराखंड का फेमस तड़का, जखिया इसे कहते हैं वहाँ पे, क्योंकि इसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। अब मैंने एक लहसुन काटी है तो मैं वो भी इसमें डाल देती हूँ, और एक लाल मिर्च ली है मैंने, क्योंकि आहार भी खाता है तो ज़्यादा लाल मिर्च मुँह में आ जाती है कई बार गलती से, तो इसलिए मैंने एक ही डाली है बस टेस्ट के लिए। अब मैं इसमें मिलाऊंगी कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पर ना कम से कम इतना तो है कि जो हमारे ट्रेडिशनल फूड है वो हम लोगों को मिल जाते हैं खाने के लिए, वरना हम इतने साल से अगर इंडिया नहीं गए हैं, 1 साल 2 साल, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा याद आने लगती है। बट कम से कम मतलब ये हमारी खुश नसीबी है, हमको ये खाना तो मिल जाता है कम से कम हमारे यहाँ का, तो उससे ही हम थोड़ा तसल्ली कर लेते हैं। तो प्याज को हम थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। तब जो दाल पीस के मैंने रखी थी वो मैं इसमें मिला लूँगी, और इसको भी हम इसमें डालकर थोड़ी देर इसको भून लेंगे दाल को, और ये दाल चिपकने लग जाती है नीचे, तो इसको बस घुमाते हिलाते रहना इसको मीडियम फ्लेम पर, वरना ये नीचे चिपक जाएगी कढ़ाई में ही। देखो 3-4 मिनट भुनने के बाद ना जो इसका कलर है वो थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन होने लगा है, जब मैंने डाली थी तब ये वाइट थी, तो इसको मैंने लगभग 3-4 मिनट भुना अभी। और अब मैं इसमें डालूंगी मसाले, जो इसका फ्लेम है वो मैंने लो रखा है अभी मसाले डालते हुए,
तो थोड़ा सा धनिया पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और गरम मसाला मैं बाद में डालूंगी जब बन जाएगा। तो मसाले मिक्स कर लेते हैं सारे। तो अब मैं मसालों को भी थोड़ी देर लो फ्लेम पर ही भूनूंगी और उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। अब ये अच्छे से भुन गया मसालों के साथ, तो मैं इसमें पानी डाल देती हूँ और इसको पानी के साथ भी मिलाना है फटाफट से। फिर जब मैं कई बार पानी डालती हूँ तो इसमें थोड़े से लम्स गोले गोले से बनना शुरू हो जाते हैं इसके, तो इसलिए मैं एग विस्कर से इसको थोड़ा सा विस्क कर लेती हूँ, तो ये इक्वल हो जाता है। फिर इस गैस की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि इस कढ़ाई को ये बिल्कुल नहीं झेल पाता है। इस कढ़ाई को जब मैं भरती हूँ तो ये एक तरफ झुक जाती है और जब ये उबलेगा तो आधा स्वाद इसका गैस भी लेगा फाड़े का। तो जब तक फाड़ा बनता है तब तक हम बनाते हैं राइस। तो राइस तो मैं इंस्टेंट पॉट, तो अब मैंने थोड़ी सी जो दाल थी वो ऐसी बचा के रखी हुई थी। दाल में ही मैंने पहले से ही जिंजर अदरक और लहसुन डाली हुई थी, हरी मिर्च भी डाली हुई थी, तो अभी मैं वो सब नहीं डालूंगी क्योंकि ऑलरेडी डाला हुआ है मैंने। तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची क्योंकि मैंने मिर्ची पहले से ही डाली थी, हल्दी, हींग, जीरा पाउडर, इसको मिला लेंगे। यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रखा हुआ है थोड़ा सा, तो अब मैं स्पून से ही डालूंगी। बहुत सारे लोग हाथ से भी डालते हैं बट मुझे हाथ से डालना नहीं आता है, तो मैं स्पून से ही डालूंगी। जिसको हाथ से डालना आता है वो हाथ से डाल के भी बना सकता है, पर मुझे स्पून से ही आता है। तो ये देखिए एक तरफ से ये थोड़े से ब्राउन हो गए, तो मैंने इन्हें पलट लिया है। पकोड़े बनाते हैं काली दाल के, कुछ ऐसे ही बनाऊंगी मैंने और उसके बाद फाड़े में डाल दूंगी बाद में जब फाड़ा बन जाएगा। और ये पकोड़े बनाते टाइम ना एक और प्रॉब्लम है यहाँ पर, एक और दिक्कत जो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी वो ये है कि जो इसका धुआं होता है अगर मैंने वेंट ऑन नहीं किया तो सारे घर के फायर अलार्म ऐसे बजेंगे कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा, पता नहीं क्या हो गया इस घर में, तो इसलिए ये ऑन कर लेते हैं। उसके बाद मेरी आवाज आप लोगों को नहीं सुनाई देने वाली है क्योंकि इसकी आवाज इतनी तेज है। तो फाड़ा भी उबल रहा है मेरा और ये पकोड़े भी बन रहे हैं, तो जब तक ये सब बनता है तब तक मैं देखती हूँ आहान की ऑनलाइन क्लास थी आज पहली बार। इससे पहले वो स्कूल जा रहा था डेली बट अभी थोड़ा कोविड बढ़ गया है तो उसकी भी ऑनलाइन क्लास है आज, तो मैं वो देखती हूँ तब तक। उसके बाद फिर से आऊंगी, फाड़ा दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे बना है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
हमारी जो काम वाली है, जो हमारा डिश वॉशर है, उसमें भी बर्तन साफ करके रखने पड़ते हैं। तो मैं सोचती हूँ इससे अच्छा कि साफ करके उसमें रखूँ, मैं थोड़ा और साफ कर लूँ। तो हमारा फाड़ा भी बन चुका है और पकौड़े भी बन गए हैं, तो टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। कुरकुरा, क्रंची, मजेदार। तो जिन लोगों को ना ये सब देख के मुंह में पानी आ रहा है, वो जरूर ट्राई करें इसे अपने घर पे। तो फाड़ा अच्छे से उबल गया है, तो अब हम उसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। वैसे जरूरत भी नहीं पड़ती इसमें तो गरम मसाला डालने की, बट फिर भी यहाँ पर बहुत ठंड है तो हमने इसलिए डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला भी। और अब मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच घी भी, ताकि जो इसका टेस्ट है वो और भी बढ़िया आए। देखो इतना ठंडा है कि घी ऐसा जमा हुआ है ना, निकल नहीं रहा वो भी।
हम इसमें पकोड़े भी डाल देते हैं। ये देखिए थोड़ा सा नीचे भी गिरा है। तो जब तक ये फाड़ा उबलता है तब तक मैं आप लोगों को गहत की दाल के कुछ फ़ायदे बताती हूँ। तो जो गहत की दाल होती है वो फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होती है, उसमें पॉलीफेनॉल, फ्लेवोनॉइड्स और प्रोटीन से भरपूर होती है वो। तो गहत की दाल में सभी दालों में से सबसे ज़्यादा प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन होता है, तो ये बोन्स के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो गहत की दाल अस्थमा वालों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। आयुर्वेद के अनुसार जब खांसी, सर्दी और म्यूकस जम जाता है तो जो गहत की दाल को बॉईल करके और उसका पेस्ट बनाकर काली मिर्च के साथ लेने से कफ, खांसी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। डेफिनेटली वो अस्थमा को क्योर नहीं करती है बट काफ़ी रिलीफ देती है अस्थमा से और काफ़ी हेल्पफुल होती है। और ये विंटर के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। तो जिन लोगों को पहले से ही हेल्थ प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, वो लोग इसको अवॉइड ही करें तो अच्छा होगा। या प्रेग्नेंट लेडी के लिए फिर शायद उन लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। बाकी जो लोग हेल्दी हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट करती है ये दाल और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, क्योंकि ये इसमें कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। सभी दालों में सबसे ज़्यादा इसी दाल में पाया जाता है। तो आई मस्ट से कि बाकी लोग इसको ज़रूर यूज़ करें जिनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको हेल्थ प्रॉब्लम कभी होगी भी नहीं। हमने बचपन से वो फूड खाया है और हमें पता है कि वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, क्योंकि हमारे जो दादा दादी, जो भी बूढ़े लोग मैंने देखे हैं, उनकी इम्यूनिटी हम लोगों से काफ़ी स्ट्रांग होती है, क्योंकि उन लोगों ने जो खाना खाया है उसमें किसी भी टाइप की मिलावट नहीं थी, बिना मिलावट के खाना खाया है, जो घर पे ही वो उगाते थे और घर पे ही बना के खाते थे, तो उसमें कोई मिलावट नहीं थी, इसलिए उनकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम भी वही सब चीज़ें जो हमारी चली आई हैं पहले से, वही सब चीज़ें अपनी डाइट में रखें। तो हम गहत की दाल को अपनी डाइट में हमेशा रखते हैं। एक हफ्ते अगर हम उसकी दाल बनाकर खाते हैं तो नेक्स्ट वाले हफ्ते उसके परांठे खा लेते हैं या नेक्स्ट हफ्ते उसका फाड़ा बना के खा लेते हैं। तो इस तरीके से हम उसे अपनी डाइट में रखते हैं। तो मैं एक और बार यही बोलना चाहूँगी, अब ये फाड़ा बन गया है तो हम लोग फटाफट से अपना लंच कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि गहत की दाल की इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो तो ज़रूर करते हैं, बट जिन लोगों को ये रेसिपी नहीं पता है गहत की दाल की, तो वो ज़रूर बनाएगा। इसे कहते हैं फाड़ा और ये है उत्तराखंड का फेमस रेसिपी, फेमस फूड है ये। इसको राइस के साथ खाइएगा तो आप लोगों को ज़रूर मज़ा आएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, ये रेसिपी कैसी लगी। Why you want bell paper, honey? Who is eating bell paper? I am. Which color bell paper you like? Green. Green bell paper? Yeah. But it's not spicy? No, it's not. But you are saying this food is spicy for you. So will you forgive me today? I will not make spicy food again. I want bell paper. Okay, I will give you after some time. When you finish your food, then I will give you, right? Say bye-bye.